यहाँ मेरा 50 बार से अधिक दौरा हुआ है, तो अब जैसे आप देखेंगे महिलाएं भी हमसे डायरेक्ट परिचित में हैं। इस गांव के अंदर कोई गली नहीं बची जिसको हमने डामर मंजूर नहीं करा दिया हो, काम चालू है। अब दूसरे नंबर की लड़ाई दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, पहले नंबर में तो भारतीय जनता पार्टी है। जीत का दावा करने वाले अपना करते हैं, 3 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तो पता चल जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि रीवा में फिर हम 8 की 8 जीतने जा रहे हैं, बिल्कुल सिमरिया। हालांकि मुझे लगता है कि रीवा में फिर हम 8 की 8 जीतने जा रहे हैं। बहुत सारे काम हैं ऐसे जिससे सिमरिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अपनी चुनावी यात्रा में इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में, और इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक केपी त्रिपाठी जी के साथ, और उनसे कुछ बातचीत करके जानने की बात करते हैं। विधायक जी, हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहेंगे, क्या माहौल मिल रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। और एक चीज यहाँ पर हमने सभा में देखा कि आमतौर पर विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो जनता स्पष्ट तौर पर नाराजगी या फिर जो है तो मांग नहीं कर पाती है, लेकिन यहाँ आपके पास जो है तो लोग ये भी कहते हैं हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो कैसे मिलेगा? आखिर ये जो एक गहरा रिश्ता है तो इसके पीछे? कई बार हम इन गांवों में आए हैं, जैसे आप पूर्वा में हैं, यहाँ मेरा 50 बार से अधिक दौरा हुआ है, तो अब जैसे आप देखेंगे महिलाएं भी हमसे डायरेक्ट परिचित में हैं, सबसे संबंध है, अब देखिए वो आ रही हैं, तो इस तरह से उनका अपना तो है, लगाव है, इतना ज़्यादा उनके बीच में उठना बैठना हुआ है, उनका अधिकार लगता है उनको कि इनसे कहेंगे तो हो जाएगा। और हमने लोगों के काम भी किए, इस गांव के अंदर कोई गली नहीं बची जिसको हमने डामर मंजूर नहीं करा दिया हो, काम चालू है, तो काम भी किया, लोगों से संबंध भी अच्छे बनाए और लगातार आए, इसलिए अपना तो का रिश्ता है। और इसलिए अब मैं जहां गांव में जा रहा हूं 2-2 बजे तक, तो लोगों का प्यार उत्साह उमड़ रहा है। और मुझे पूर्व के लोगों ने ये रिश्ता कायम करने में वो नहीं लिया लाभ? वो अब पूर्व के लोग जाने, हाँ अभी तो चुनाव पूर्व के लोग ही लड़ रहे हैं, तो 17 या 3 तारीख को पता चल जाएगा कि उन्होंने रिश्ता कायम किया कि हमने रिश्ता कायम। आप दावेदार हैं, कई सारे लोग दावेदार हैं, हर दावेदार जीत का दावा करता है, तो अगर आप पहले नंबर पर हैं तो दूसरे नंबर की लड़ाई फिर कौन? अब दूसरे नंबर की लड़ाई दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, पहले नंबर में तो भारतीय जनता पार्टी है। जीत का दावा करने वाले अपना करते हैं, 3 तारीख को जब रिजल्ट खुलेगा तो पता चल जाएगा। काफी दल बदल रहा, तो क्या ये भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित सीट कही जा सकती है सिमरिया? बिल्कुल सिमरिया। हालांकि मुझे लगता है कि रीवा में फिर हम 8 की 8 जीतने जा रहे हैं, इस बार फिर कांग्रेस मुक्त हो रही। हाँ, सिमरिया में तो पिछली बार की जीत से ज्यादा बड़ी जीत हम लोग सिमरिया में जीतने जा रहे हैं। और क्या आगामी योजना है, अगर विधायक बन के आते हैं तो फिर कौन से ऐसे कार्य हैं जो सिमरिया को? हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट जो हम आगे करेंगे वो जारी किया है। बहुत सारे काम हैं ऐसे जिससे सिमरिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो हमने जारी किया हुआ है। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिमरिया के मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी जी, जिन्होंने सिमरिया को लेकर के, सिमरिया में किए गए विकास कार्यों को लेकर के, साथ ही साथ रीवा जिले में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है इस विषय को लेकर के भी चर्चा की। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं अनुपम अनूप, नमस्कार, धन्यवाद।